हम लोग के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह कामा। एनडीटीवी पर हम पिछले कई हफ्तों से इनफर्टिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों की सोच अभी भी बहुत पुरानी है। उसे एक दाग के तौर पे देखा जाता है। भारतीय परिवारों की बात करें तो इनफर्टिलिटी 15% कपल्स को प्रभावित करती है, लेकिन इसको लेकर एक जो सोच है, एक जो स्टिग्मा है, उसके चलते लोग इसे चुपचाप छेलते रहते हैं। डॉक्टर बलारा, कई हफ्तों से हम कोशिश कर रहे हैं इस कैंपेन के जरिए कि हम इनफर्टाइल कपल्स में जागरूकता फैला सके, ये काम कर सके। एक बार संक्षेप में अगर आप हमारे दर्शकों को, अगर हमें बता सकते हैं कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स किस प्रकार की होती हैं और किस तरह हम करेक्ट ट्रीटमेंट चुनें। जब भी कोई कपल आता है तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। सो वो प्लान उसको थरोली इन्वेस्टिगेट करके, उसकी सारी जांच करके, जो मेल है उसका भी सीमन एनालिसिस करके और फीमेल की भी सारी इन्वेस्टिगेशंस करके, उनकी ओवरऑल हेल्थ, उनकी एज और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर उसको सिर्फ जैसे मेडिसिन से हो सकता है, नेचुरली ट्राई करके हो सकता है, या सर्जरी या IUI या IVF, तो किस कैटेगरी में या क्या ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए, उस कपल के लिए हम प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। इट्स नॉट दैट कि कोई भी आया और जैसे एक धारणा है कि आते ही उनका IVF हो गया, तो ऐसे नहीं है। अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट होती हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। सो वो मेल की प्रॉब्लम है या फीमेल की, उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करा जाता है।